तो आज हम क्लास आठ की वर्कशीट नंबर एक को डिस्कस करेंगे। यह वर्कशीट आईसीटी विषय पर बनाई गई है जो कि पहले चैप्टर से ली गई है। आओ बच्चों वर्कशीट को समझते हैं। अंक और गिनती हमारे जीवन शैली का एक अभिन्न अंग है। इस असीम ब्रह्मांड के हर तत्व जीव जंतु के साथ अंकों का गणित जुड़ा हुआ है। देखिए बच्चों जो अंक होते हैं गिनती है ये हमारे जीवन शैली का एकमात्र एक अभिन्न अंग बन चुका है। ठीक है, अब इस सभी जो जितना भी काम है इस अंक पर ही निर्भर करता है। देखो बच्चों यहाँ पे चित्र भी दिखाया गया है, रिपोर्ट कार्ड है, हाइट है, ठीक है ना, टाइम है, ठीक है ना, ये अंतरिक्ष का चित्र है, ये बच्चा किताब पढ़ रहा है उसकी कितनी हाइट है, ये मानचित्र है। तो इस तरह का ये सब क्या है, ये डेटा है, इसको हम क्या कहते हैं, डाटा। देखिए बच्चों यहाँ पे आगे लिखा हुआ है, यह तो कंप्यूटर की भाषा में डाटा कहलाता है। देखो बोला है ना, यह कंप्यूटर की भाषा में क्या है, डाटा है। और हाँ बच्चों हम डेटा को रखने के लिए स्प्रेडशीट का उपयोग करते हैं। और बच्चों आप डेटा को रखने के लिए स्प्रेडशीट का उपयोग कर सकते हो। कंप्यूटर के अंदर स्प्रेडशीट होती है जिसका उपयोग ये जो इन डेटा होता है इसको रखने के लिए होता है। अब देखो स्प्रेडशीट में रख तो सकते हैं पर स्प्रेडशीट क्या होता है, यहाँ पर स्प्रेडशीट की परिभाषा दे रखी है। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो डेटा को स्टोर करने में मदद करता है। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है बच्चों, एक कंप्यूटर के अंदर होता है। इसमें क्या करता है, आप अपने जो डेटा को यहाँ पर रख सकते हो। जैसे स्प्रेडशीट के काफ़ी एग्जांपल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है जो कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, ये स्प्रेडशीट के बेस पर है, ये इस पर आप अपना डेटा रख सकते हो। लिब्रे ऑफिस है, गूगल शीट्स है, ये सभी स्प्रेडशीट के एग्जांपल है, यहाँ पर आप अपनी डेटा को अपनी इन्फॉर्मेशन को रख सकते हो। अब डेटा को हम स्प्रेडशीट में टेबुलर फॉर्मेट में सेव करते हैं। ठीक है बच्चों, कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेडशीट में रख तो सकते हो पर वो किस फॉर्मेट में रखोगे, टेबुलर फॉर्मेट में। यहाँ पे बोला गया बच्चों, ए पिक्चर इज वर्थ अ थाउजेंड वर्ड, एक चित्र जो होता है वो हजार शब्दों को बयां करता है। ठीक है, तो अब ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर क्यों दी गई है, क्योंकि डेटा आप जब स्प्रेडशीट में रखते हो तो डेटा इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसको मैनेज नहीं कर पाते या आपको उसको समझने में काफ़ी टाइम लगता है, समय लगता है। तो इसके लिए क्या होता है, स्प्रेडशीट के अंदर चार्ट्स और ग्राफ्स करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसकी मदद से आप जो जटिल जानकारी होती है उसको आसानी से आप समझ सकते हो चित्र के द्वारा। देखिए बच्चों लिखा हुआ है, हम चार्ट ग्राफ का प्रयोग कर सकते हैं। चार्ट ग्राफ का उपयोग जटिल जानकारी को आसान बना सकता है और डेटा को पैटर्न प्रकृति में प्रकाश डाल सकता है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हुए हैं, तीन प्रश्न है बच्चों। डेटा को हम स्प्रेडशीट में किस फॉर्मेट में सेव करते हैं, तो पहले का आंसर तो बच्चों यहाँ पर है, देखो टेबुलर फॉर्मेट में सेव करते हैं। तो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चार्ट ग्राफ का उपयोग किस लिए किया जाता है। चार्ट ग्राफ का उपयोग डेटा जटिल जानकारी को आसान बनाने के लिए किया जाता है, ये हो गया दूसरे का आंसर। अब स्प्रेडशीट क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बच्चों आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा तीसरे का आंसर, स्प्रेडशीट क्या होता है। स्प्रेडशीट एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर है जो डेटा को रखने में मदद करता है। तो बच्चों आज की वर्कशीट में इतना ही था।